अगर आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी म्यूजिक नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इजी से सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ जिससे आप ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर इंस्टाग्राम ऐप ही अपने प्लेटफॉर्म से कोई सॉन्ग डिलीट कर देता है तो पोस्ट पर ऑडियो नॉट अवेलेबल लिखा आता है, लेकिन अगर आपकी उन सभी पोस्ट पर जिन पर आपने म्यूजिक लगाया था ऑडियो नॉट अवेलेबल आता है तो आप ये सॉल्यूशंस ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपकी इंस्टाग्राम ऐप अपडेटेड है या नहीं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, इंस्टाग्राम सर्च करना है और अगर यहाँ अपडेट का ऑप्शन आता है तो ऐप अपडेट करनी है। ऐप अपडेट करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर फिर भी ये प्रॉब्लम आती है तो आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन ट्राई करना है। इंस्टाग्राम ऐप पर प्रेस एंड होल्ड करना है और ऐप डिलीट कर देनी है। इसके बाद प्ले स्टोर पर जाकर आप फिर से ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप रीइंस्टॉल करने से आपकी इंस्टाग्राम आईडी लॉग आउट हो जाएगी और आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड याद नहीं है तो आप उसे कैसे पता कर सकते हो ये जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। डोंट वरी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन है रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर जिस पोस्ट पर म्यूजिक नॉट अवेलेबल आ रहा है सबसे पहले आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। फिर इसके बाद इंस्टाग्राम सेटिंग्स में जाना है, फिर हेल्प, रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। यहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है। आप सेम यही कॉपी पेस्ट कर सकते हो जो मैंने लिखा है। फिर अपलोड पर टैप करके आपको वो स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। 1 से 2 दिन में इंस्टाग्राम आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लास्ट सोल्यूशन है स्विच इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप उसे पर्सनल में स्विच करके या पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करके चेक कर सकते हो कि आपकी म्यूजिक नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम फिक्स होती है या नहीं। तो आई होप ये सोल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।